हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र इंटरमीडिएट देकर आ चुके जियोग्राफी यानी भूगोल का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र आपका सेट कोट ए रहने वाला, इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024 का ओरिजिनल पेपर रहने वाला, आपका विषय कोड 323 रहने वाला, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये आर्ट्स वालों के लिए पेपर होने वाला है भूगोल का, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करा देंगे वीडियो में, तो बिल्कुल अंतिम तक आप लोग ना बने रहिएगा। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन है, एक नंबर, जानकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया, तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आमर्त्य सेन, ऑप्शन क्या होगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करेंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी की क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था, तो दो नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो कौन है, तो तीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार नंबर के, किस वर्ष विश्व में जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के केंद्रित है, तो कहाँ है, तो मैदानी प्रदेशों में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाँच का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं? तो छः नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, छः नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रोपड़ कृषि प्रदेश में। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर तो गलत नहीं ना बताएं, एक सेकंड देख ले रहे हैं थोड़ा सा, नहीं ठीक है ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन का बता ही दिए, पहला का बी हो जाएगा, आत्मीय सेन हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा का बता ही दिए कि दूसरा का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एक बार फिर से जाते हैं थोड़ा सा, भूमध्य सागर, ठीक है। और चलिए आगे से देख ले रहे हैं एक बार, यहाँ पर 1999 ठीक था, हमको डाउट लग रहा था इसीलिए चेक किए। चलिए सात नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्टी कलरवल हो जाएगा, सात का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठ नंबर है, मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? तो नौ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि माउंट एवं संग्रहर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एलोर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है, तो भारत में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, दस का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, डैनवू जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का ना आपका ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यूरोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, स्वेज नहर जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है, तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पोर्ट साइट कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मिस्र में अवस्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, दिया है, दो देशों के बीच वस्तुएं एवं सेवाओं का आदान प्रदान कहाँ किया जाता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिया वाला, राइन जलमार्ग कहाँ है? तो राइन जलमार्ग कहाँ है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि पोलैंड हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, देखिए 16 का क्या हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, 16 का डी हो जाएगा, ठीक है, 40,000। 17 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया पर महाद्वीप रेलमार्ग जोड़ता है, तो यह किसको जोड़ता है, देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ना 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डी, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोकैन हिल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ना, इसका राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशासनिक नगर हो जाएगा, 18 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, मासाई क्या है, तो मासाई क्या है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? तो चेन्नई हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर है कि भारत के में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है तो कितनी है, तो देखिए 4000 हो जाएगा। 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है अलंकेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हुबली किस राज्य में अवस्थित है, जो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका सारा क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त आकाश नीति से संबंधित है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ग्रामीण वस्तुओं में से किस कार्य में प्रधानता होती है, तो कृषि में। 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर हरित क्रांति का संबंधित है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पाद से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का ना आपका ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सोना उत्पाद में अग्रही राज्य कौन है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का ना 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे सिग्नेरी प्रसिद्ध है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आगे सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एलुमिनियम के लिए जाना जाता है। चलिए आगे है बालघाट मैग्नीज किस क्षेत्र से स्थित है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नर्मदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है, तो इसका राइट आंसर आपका ना 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जल प्रदूषण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो कब होती है ना, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्च अप्रैल में होती है। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर छूट गया, उधर 38 नंबर क्वेश्चन था, 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर जूट के उत्पाद में अग्रही राज्य कौन है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर नीम में से कौन गन्ना उत्पाद में अग्रही राज्य है, 40 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर की तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है, 41 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 99% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धातुविक खनिज नहीं है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, बाबा वुंदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो किस राज्य में, 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए आगे क्वेश्चन है तांबा उत्पाद में अग्रही राज्य कौन है, तो तांबा में कौन है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे किस देश के आयु लिंग पिरामिड की संकीर्ण आधार से सीडानुशीर्ष है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर पागनेहर नहर का वलम्बक तंत्र है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 3। 50 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देखते हैं, 50 का एक हो जाएगा, ग्रामीण से ग्रामीण हो जाएगा। आगे देखिए मानव का भूगोल में कौन सा उपगमन नवीनतम है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का ना 51 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारदेशिक विश्लेषण। आगे 21 वर्ष भारत में टेलीविजन का प्रसारण हुआ, तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे है किस देश में रेल मार्ग से जल का साधन घनत्व है, तो देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राजील। 54 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है, 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
55 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 विस्तार है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 56 नंबर है, निम्नलिखित बंदरगाहों में निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी कौन है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 57 नंबर, परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रेल परिवहन। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्नों में से भारत में पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलिए आगे क्वेश्चन है, देखिए 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। 59 का आंसर बताते हैं, देखिए 59 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 60 का ए हो जाएगा, ठीक है। 61 का सी हो जाएगा, ठीक है। 62 का सी हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा, और बता दें 64 का आपका सी हो जाएगा, और 65 का डी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आपको बता दिया, और 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, जमशेदपुर। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, 69 का ए हो जाएगा, और बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से है, देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है। हाँ देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है, साक्षरता दर क्या है इसके बारे में लिखना है, मानव विकास की सूचना क्या है इसके बारे में लिखना है, गहन निर्वहन कृषि के दो विशेषताओं का वर्णन करना है। आगे है स्वस्थ उद्योग क्या है इसके बारे में लिखना है, तृतीय क्रियाशील क्या है इसके सभी के बारे में लिखना है, उन सभी का आंसर बता देना। चलिए डायरेक्ट बिना देरी किए ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों का प्रारूप लिखना है, प्रसवन के दो उत्कृष्ट कारकों को लिखना है, प्रसवन का अर्थ स्पष्ट करना है, गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर का, प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत की जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, बिहार की जनसंख्या 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, यह देश के सबसे अधिक है, दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, किसी विशेष आयु में वर्ग की आबादी में पढ़े लिखे सकने वाले लोग का प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता दर आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे कथन को समझने की क्षमता के हिसाब से मापा जाता है। दो नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तीन नंबर, मानव विकास का सूचनात्मक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह मानव द्वारा विकास का सबसे प्रसिद्ध सूचकांक है, यह इस विचार के आधारित है कि मानव विकास का मतलब यह है कि जीवन लंबा और स्वच्छ है, वे जानवर उनका जीवन स्तर है। तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। वहीं चार नंबर क्वेश्चन का आंसर है, गहन निर्वहन कृषि में अपने कृषि छोटे भूखंड पर आधारित औजारों से सबसे अधिक श्रम करके खेती करता, इस खेती में अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उदर मृदा की खेती, एक वर्ष में अधिक फसलों उगाई जा सकती है, इसमें चावल की मुख्य फसलें आदि शामिल हैं। चार नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। वहीं पाँच नंबर, स्वस्थ उद्योग व्यापक विधियाँ वाले स्थानों होते हैं, ऐसे विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार कमी होते हैं अथवा नहीं, इस निर्भर नहीं करते, ये उद्योग संगठन पूर्जों निर्भर करते हैं, कहीं ये प्राप्त किए जा सकते हैं कहीं नहीं प्राप्त किए जा सकते। पाँच नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वैकिंग ट्रांसफर और वित्त दूरसंचार आदि का क्रियाओं का उदाहरण हो जाएगा। वहीं सात नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, और नौ नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। देखिए और नौ नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, नौ नंबर के बाद देख लीजिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, नौ नंबर, हाँ ठीक है, नौ नंबर के बाद दस नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन का आंसर आगे देखें तो ग्यारह नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर मिल जाएगा, और 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, सभी लोग वीडियो रोक रोक के छाप लीजिएगा आप लोग। 21 नंबर के बाद देखिए 22 नंबर, 21 नंबर का ही है ये भी आंसर, 21 नंबर का है, और हाँ देखिए और चलिए 22 नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, 22 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, 23 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 23 नंबर का यहाँ पर सारा क्वेश्चन करा दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।